प्राणी विज्ञान विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा एडवांसेस इन बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च फॉर ह्यूमन वेलफेयर विषयक त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि एवं छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि फिजिकल साइंस के शोध की दिशा मटेरियल आधारित होती है, जबकि जीव विज्ञान का शोध मानव उपयोगी होता है। पर्यावरण प्रदूषण की विभीषिका की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि ये संगोष्ठी अत्यंत ही समीचीन होने के साथ साथ इसमें होने वाली वैज्ञानिक चर्चाओं के माध्यम से न केवल समस्याओं का पता चलेगा बल्कि उनके निदान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के सी पांडे ने कहा कि पूर्वांचल में मेघा की कमी नहीं है, आवश्यकता है कि प्रार्थी पूरी ईमानदारी एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करें। उचित वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संस्थानों एवं शिक्षकों की है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में पशुओं एवं वनस्पतियों का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः हमें इनके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। आगंतुकों का स्वागत करते हुए प्राणी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह ने अपने विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर वी बी कुशवाहा ने किया। डॉक्टर अजय कुमार पांडे कार्यकारी अध्यक्ष सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेज ने इस अवसर पर प्रोफेसर के सी पांडे, प्रोफेसर निरुपमा अग्रवाल एवं डॉक्टर ए एस निनावे को संस्था की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। प्रोफेसर अजय सिंह को बाबा जादव अवार्ड, प्रोफेसर मीना बत्रा कुशवाहा को श्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार तथा डॉक्टर केशव सिंह को रिकॉग्निशन अवार्ड एवं फेलोशिप से सम्मानित किया गया। संस्था ने उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध कार्य हेतु युवा वैज्ञानिकों को भी पुरस्कृत किया। इस अवसर पर प्रोफेसर आर पी सिंह, प्रोफेसर सी पी एम त्रिपाठी, प्रोफेसर वी बी उपाध्याय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव, प्रोफेसर डी के सिंह, प्रोफेसर हरिशरण अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर वी एन पांडे, प्रोफेसर मालविका श्रीवास्तव, प्रोफेसर ओ पी पांडे, प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर सुधा यादव, प्रोफेसर एस पी राय, प्रोफेसर रवि प्रकाश, प्रोफेसर जी सी पांडे, डॉक्टर मणिरंजन सिन्हा, प्रोफेसर आर एल सिंह, प्रोफेसर आर चौबे, प्राणी विज्ञान विभाग के समस्त शिक्षक, शोध छात्र एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। When we talk about biology with reference to human welfare. If we talk about the health problems, then I think all of us know that a healthy body gives a healthy mind. And we have to be healthy, and there are very many studies which are going on, maybe related to diet, maybe related to health problems. When we talk about health, we simply say health is harmony and disease discord. If we are healthy from within, we can do any type of work. If we talk about enhancement of food resources, I think we all know with the present surge in the population density of our country, we have this food scarcity, and we sometimes we talk of the green revolution, sometimes we talk about the blue revolution, sometimes we talk about the white revolution. All these revolutions, why are they taking place? They are just taking place in order to improve the food supply of the country. This again is related to biological sciences. If we talk about the environment, then the environment, we all know that it is degrading. And a lot of studies are being done, even the society, the nation at large, the state also, everywhere we are talking about the degradation of the environment and how we can protect it. So this also requires a lot of attention. And human welfare, everything encompassed in human welfare, because whatever we are going to do, it is going to deal with human welfare. I am reminded of a scientist from Cambridge University. His name is John Orr. And he said that now today we are doing a lot of researches in which we just try to compare the researches of physical sciences and biological sciences. I am reminded of his words, because he said that as compared to, if we talk about the enhancement or the third world countries in today where we are doing research, if we talk about research in physical sciences, that will be for the development of goods. And if we develop the goods, we are going to create money. How can I achieve more? Thank you once again.
Now I request our Honorable Professor, Pro-Vice Chancellor, Professor S.K. Dixit sir, to deliver his presidential address and to the वनस्पतियों का क्षरण हो रहा है. आप सभी जानते हैं कि वनस्पतियां ही जीव जंतुओं के निवास हैं. जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए वनस्पतियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है. एक विद्वान शावर हैं अमेरिका के, इन्होंने लिखा है, जबकि इन विद्वानों का विचार अलग है. उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता का विकास ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि नदी घाटियों से हुआ है, लेकिन सावर का मानना है कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, संस्कृति का विकास हुआ, वह जंगलों से हुआ है. और कल्चरल लैंडस्केप के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं कार्लो सावर, उनका इस प्रकार का वक्तव्य है और बात सही भी है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर की विधा विकसित नहीं हुई थी तब तक नदी घाटियों में सभ्यता का विकास कैसे होता, ये प्रश्न आता है कि हम वनस्पतियों का, जंगलों का जो है संरक्षण करें और तभी जीव जंतुओं का, पशुओं का संरक्षण हो पाएगा जो हमारे जीवन के आधार हैं और हमारे हर प्रकार की प्रगति में उनका योगदान विद्यमान है.